जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स देखता था, सपोर्ट भी करता था, टीवी में बैठकर खुश भी होता था जब एक मेडल मिलता था, टैली बढ़ती थी। लेकिन हमेशा से मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि यार ये खिलाड़ी जो है ये क्या खाते होंगे, कैसे ट्रेनिंग करते होंगे, क्या इनको फैसिलिटीज मिलती होंगी, क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ को मैं हमेशा क्रिकेट से बड़ा मानता था कि मुझे लगता था इनको लुक आफ्टर बहुत अच्छे से किया जाता होगा, इनको बहुत बढ़िया खाना मिलता होगा, न्यूट्रिशन मिलते होंगे, फिजियो ट्रेनर्स मिलते होंगे, क्या हमें भी वो मिल सकते हैं। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला और इन लोगों के बारे में मैंने जाना तो मुझे पता चला कि शायद नहीं कि जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है उसका 10-20% भी इन लोगों को नहीं मिला, और उसके बावजूद भी लोग मेडल्स लेके आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बहुत खुशी की बात थी। और मुझे दुख इस बात का था कि अगर ये लोग इतनी कम फैसिलिटीज के बावजूद इतनी मेहनत कर कर भारत के को रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल लेके आते हैं तो शायद ये डिजर्व करते हैं कहीं ज़्यादा।